राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सीसी व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी एक मधुमक्खी रह रहा है और वो जो है रस रस चूसने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करा है, बहुत लंबा सफ़र तय करा है और वो जो है समुंदर पार चली जा रहा है। लेकिन इतनी उड़ान भरे है वो, तो वापसी में आते टाइम वो थक जावे, बिल्कुल थक जावे, और जो है थकान के कारण उस वो जो है समुंदर में पड़ जावे। अब समुंदर में तो पड़ेगी, बहुत पछता रही है, भाई मैं तो बड़ी दूर गई है रस चूसने के लिए, अब तो बस मेरा जीवन नज़दीक है, मतलब मरूंगी तो मैं। लेकिन दूर बैठा जो है एक कबूतर उसने देख रहा था मधुमक्खी नाग, भाई वो तो जो है अब बस मरण में है। लेकिन कबूतर के दिमाग में आवे है और कबूतर जो है एक अपनी चोंच से जो है एक पत्ता तोड़ के और समुंदर में फेंक दे है। तो वही बात है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अब मधुमक्खी ने मिल गया पत्ता तो मधुमक्खी उस पर फट देनी बैठ जावे और बैठ के और उस पर अपने जो है पंख लहरावे, मतलब लहरावे क्योंकि समुंदर में पड़ गई थी तो उसके पंख भीज गए थे ना, तो वो तो मरण पे थी। तो उसने पत्ता मिल जाए तो वो उस पर बैठ कर अपने पंख सुखावे और थोड़ी देर में उसके पंख सूख जाए और वो उड़ जाए, तो वो चली जाए अपने छत्ते पे जहाँ वो मुन्ने बना रखा था। तो फिर एक दिन और वह ऐसे ही करे, वो बहुत दूर जावे, समुंदर पार जाने की कोशिश करे। लेकिन जैसे वो समुंदर के किनारे पहुँचे है तो उसने वो कबूतर दिख जाए पेड़ पर बैठा, मधुमक्खी ने देख लिया था कहाँ भाई इसने मेरी जान बचाई है, इसने अपनी चोंच से पत्ता तोड़ के फेंका है। तो उसने वो कबूतर देख लिया लेकिन साइड में उसने दिखा एक शिकारी, शिकारी जो है बिल्कुल तीर छोड़न के उस पर बैठा था निशाना साध देख, भाई अब बस जरा सा और अगर थोड़ा सा वो चूक जाती और लेट आती तो शिकारी जो उस कबूतर ने मार देता। लेकिन जैसे मधुमक्खी देखा भाई इस कबूतर ने तो मेरी जान बचाई थी, तो अब मौका है मैं भी इसकी जान बचाऊं। तो सब वो जो है मधुमक्खी एकदम से जाके और उस शिकारी की मतलब कान पर डंक लड़ जाए, कान पर डंक मार दे उसके, और जैसे डंक लगे है तो वो शिकारी जो है छटपट आ जाए एकदम में, तो वो मधुमक्खी तो जो है उड़ जाए लड़के और कबूतर देखे हाँ भाई मेरी जान जो है इसने बचाई है। तो मधुमक्खी भाई वो बात है ना कि भाई कर भला तो हो भला, कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचाई और मधुमक्खी ने कबूतर की। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।